बड़ी खबर ब्रेक न्यूज शाम लेकर आ चुकी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें 2021 की जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से सभी विकलांग लोगों के बैंक खाते में 2500 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। जी हाँ दोस्तों, ये पैसे 3 किस्तों में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 3 किस्तों में कितने पैसे दिए जाते हैं सभी विकलांग लोगों को। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले खुद का आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का हुए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर जो पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप कौन से जिले व किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके जिले व राज्य की रोजाना ऐसी ही नई नई जानकारी आपको दे सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा पहले नंबर पर ही दोस्तों जनपद। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जनपद जिला सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना जनपद जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने बाद आपके सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे के साइड में यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा दिव्यांग पेंशन ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड बार सारांश। दोस्तों दिव्यांग विकलांग एक ही पेंशन है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दोस्तों अगर आप गांव की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक विकासखंड गांव सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आपको नीचे के साइड में आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिव्यांग पेंशन वृद्धावस्था पेंशन शहरी क्षेत्र नगर निकाय बार सारांश। दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं शहर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नगर निकाय सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको गांव के दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको अपना एक विकासखंड गांव सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी विकासखंड में गांव थे ये पूरी ग्राम पंचायत की लिस्ट आ गई है। दोस्तों आपका जो भी ग्राम पंचायत गाँव है आपको सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक ग्राम पंचायत गाँव सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा कुल पेंशनर और कुल धनराशि। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल पेंशन है जिनके बैंक खाते में सरकार ने, ये विकलांग लोगों के बैंक खाते में सरकार ने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 18 हैं। तो दोस्तों आपको ब्लू कलर से लिखे हुए 18 पर ही क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस 18 पर क्लिक करेंगे आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है। अब दोस्तों ये देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने जारी हो चुकी, पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों क्रम संख्या रजिस्टर संख्या पेंशनर का नाम मिल जाएगा, पिता का नाम, लिंक आयु वर्ग मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट मिल जाएंगे, पेंशनर का पता मिल जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दोस्तों ये पैसे दिए गए 2500 रुपये सभी विकलांग लोगों के बैंक खाते में। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि 3 किस्तों में दिए जाते हैं। दोस्तों पहली किस्त में 1000, दूसरी किस्त में 1000 और तीसरी किस्त में 500। दोस्तों कुल 2500 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं सभी विकलांग लोगों को। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों मैंने बताया कि बैंक का नाम ही मिल जाएगा। दोस्तों ये देखिए बैंक का नाम मिल जाएगा, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन की स्थिति, कब पैसे भेजे गए थे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरी लिस्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और रोजाना ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।